योग फेडरेशन हरियाणा की तरफ से 10 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम और योग प्रस्तुतियां दी और महिलाओं ने तंबोला गेम खेली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीसी श्री अशोक शर्मा, एडीसी श्री जगदीप ढांडा उपस्थित रहे। इस फेडरेशन के चीफ पैटर्न राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट श्री रजिंदर विज ने योग की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के अंदर एडीसी श्री जगदीप ढांडा ने गाने की प्रस्तुति दी और साथ ही अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने मधुर आवाज में गाना प्रस्तुत किया। और कार्यक्रम में योग फेडरेशन हरियाणा ने अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का जन्म दिवस केक काट कर मनाया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र विज अपने परिवार के साथ शामिल रहे, जिनमें इनकी बेटी डॉक्टर भारती महेंद्रू, दामाद अतुल महेंद्रू, नाती वान्य और उनकी धर्मपत्नी भी शामिल रही। इसके साथ ही चीफ पैटर्न राकेश शर्मा, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपसह परिवार अपने पिता श्री सत्राजीत गौड, बेटी भाव्या कशिश, दीक्षा सम्राट गौड उपस्थित रहे। शाला द्वारा क्या क्या इसमें हुआ जी और क्या संदेश है जी? देखिए 16 जुलाई को इस योगशाला का उद्घाटन हुआ था, जिसका निर्माण आयुष मंत्री श्री नील विज ने कराया था। उसको सुचारू धूप से अब ढंग से चलाने के लिए सब हमारे जो यहाँ मेम्बरान हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक योगा फेडरेशन बनानी चाहिए, जो हमने रजिस्टर कर लिए और उसके नियम हमने बनाए हैं कि योग के साथ साथ हम अष्टांग योग भी करेंगे और लोगों के अंदर हम एक नए जीवन की चेतना भरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमने आज ये एक रंगारंग प्रोग्राम लोहड़ी के ऊपर रखा है और जिसके मैं प्रधान के नाते योगा फेडरेशन के आगे भी कोशिश करूंगा कि जो त्यौहार आएंगे, जैसे लोहड़ी आता है, सॉरी होली आएगी अब, तो होली पे भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करेंगे। मेन जो चीज़ इस वक्त समाज में जा रही है वो सबसे ज़्यादा तनाव जा रहा है और तनाव का मुख्य कारण है कि लोग आपस में मिलजुल कर त्यौहारों को मना नहीं रहे। हमारी हिंदू संस्कृति में त्यौहारों का मतलब ये था कि लोग त्यौहारों को जोर शोर से मनाएं और जो उनको तनाव है उससे वो मुक्ति पाएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।